दोनों गाड़ियों में प्रिफर आप कौन सी करना चाहोगे? अगर आज आपको ज़्यादा लग्जरी इंटीरियर फील चाहिए तो लो A6 लो, अगर आपको ज़्यादा इंजन पावर चाहिए या फिर और खर्चा कम चाहिए तो BMW 5 सीरीज ले लो। 5 सीरीज जेब खाली करवा दिया है मैंने, टाइमिंग और गियर बॉक्स ऑयल चेंज, बाहर की मार्केट में आफ्टर मार्केट तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो गियर बॉक्स ऑयल चेंज भाई 15,000 के आसपास खर्चा रहता है और टाइमिंग का 17-18 हज़ार रुपये, नॉर्मल सर्विस तो वही 13-14 हज़ार बाहर से आफ्टर मार्केट होती है सारी चीज़, कंपनी में नॉर्मल सर्विस होगी 40,000 के आसपास। नहीं लो मेंटेनेंस कार है BMW क्योंकि उसमें एक्चुअली 5 सीरीज में एयर सस्पेंशन नहीं है, इसमें एयर है, एयर सस्पेंशन का काफ़ी खर्चा बढ़ जाता है। दूसरा फिर उसके में टाइमिंग का कोई खर्चा नहीं था, उसका टाइमिंग खर्चा था 1.5 लाख पे, 1.5 लाख किलोमीटर पे 50,000 रुपये करानी होती है। अच्छा, तो उसका इंजन में थोड़ा स्पेसिफिकेशन में फर्क है। नहीं तो फुल टैंक में करीब करीब आपको कुछ आइडिया होगी कितने निकाल दे? तो दिखाती है तो आसपास, अगर हाईवे थोड़ा अब चल रहे हो और लोकल चल रहे हो तो 800-850 निकाल देती है, और सेम बीएम की भी एवरेज बढ़िया है, उसकी भी इतना ही एवरेज हवा है मेरे ख्याल में। आप कह रहे हो जैसे बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप गाड़ी प्यार से चलाते तो कोई मेंटेनेंस नहीं है। आप कोई भी अगर छोटी गाड़ी ले लो उसकी भी अगर तुम रफ चलाओगे तो वो भी मेंटेनेंस मांगेंगे, और इनका एक टाइमली खर्चा है वो कराना होता है। जैसे अगर 50,000 टाइमिंग का काम मांगा है आपने नहीं कराया, आपने 20-30 हज़ार और चला दी, टाइमिंग बेल्ट टूट गई और कुछ और हो गया तो इंजन सीज हो जाएगा, तो वो तो आपकी गलती से हुआ है ना। जहाँ इस गाड़ी की देखो, अगर मैं ट्रैक पर चला रहा हूँ इस टाइम यहाँ पर इस गाड़ी को मैं भगाऊँ, इस गाड़ी को कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करूँ, शहर में चलाऊँ, इसका नाक बनाऊँ, तो ये गाड़ी भाई खराबी मांगेगी। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। तो आज मौसम थोड़ा धूप वाला निकल आ चुका है और हरियाली दिख गई होगी क्योंकि बारिश कई दिन हुई है गुड़गांव में। और आज ना एक अनोखी गाड़ी लाया मैं आप लोगों के लिए। आपने कुछ दिन पहले मेरे हाथों से BMW का रिव्यू देखा था और उसके ओनर से तो मैं आपकी मुलाकात करवा नहीं पाया, लेकिन वो जो ओनर है ना उनके पास एक लग्जरी गाड़ी और है, और वो लग्जरी गाड़ी कौन सी है ये आपको अब फ्रेम में दिख गई होगी। तो भाई ये है ऑडी की A6 मैट्रिक्स और 2015 मॉडल है। मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में बता नहीं पाऊँगा, सारी चीज़ें मैं ओनर से जानना चाहूँगा, पर सीधा मैं इसकी लुक्स के बारे में बात करूँ। सेडान गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, बस इससे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर में वो ही 5 सीरीज़ है जिसका मैंने रिव्यू डाला था। तो सेडान गाड़ी है और लो गाड़ी है, और इसके हेडलाइट्स की बात करूँ फुली LED मैट्रिक्स सेटअप है और एस लाइन वाला वर्जन है इसका, साइड में बैच से मैं आपको पता चल गया होगा। तो लुक्स के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की मेरे को ज़रूरत है नहीं। अलॉयज़ की बात करूँ, ज़्यादा लो प्रोफाइल है नहीं, ये इनकी अच्छी बात लगी, लेकिन इनमें ना एयर सस्पेंशन आता है, उनकी बड़ी दिक्कत है यार। उनका जो मैनेजमेंट होती है, उनके जो संभालने की चीज़ होती है, वो भाई बहुत संभालनी पड़ती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, एक स्पीड ब्रेकर आया और गाड़ी ख़त्म है। तो भाई मैं शुरू से SUV का लवर रहा हूँ, तो बहुत लो मेरे को ये गाड़ी लगेगी, हालांकि पीछे इसमें स्पेस तो बिल्कुल नहीं है गाड़ी में अगर मैं लेग स्पेस की बात करूँ। और इंजन कौन सा है? 35 TDI इसका इंजन है, डीजल A6। और पीछे साइलेंसर की बात करूँ, डुअल इसके ओरिजिनल साइलेंसर आ जाते हैं, कोई क्वाड टिप एग्जॉस्ट वाला सिस्टम नहीं है। डीजल एयर थोड़ी बहुत आवाज़ ये पीछे से कर रही है, और इसकी बस मेरे को एक चीज़ ख़राब लगी, इसकी जो पीछे की लेग स्पेस है। पहले मैं आपको इसका बूट दिखाना चाहूँगा कि है, ये तो आराम से आ गया। ओह सडान फुल। तो बूट की बात करूँ भाई, बूट अच्छा खासा है इसका, पर लेग स्पेस बहुत ज़्यादा, लेग स्पेस है इसका भाई, लेग स्पेस जीरो है इस गाड़ी में। तो बाहर से कुछ ज़्यादा मेरे को बताने के है नहीं, पीछे पूरा LED का सेटअप आ जाता है, चाहे हेडलाइट्स की बात करूँ चाहे टेल लाइट्स की बात करूँ, और मैं कुछ ज़्यादा इस गाड़ी के बारे में बता नहीं पाऊँगा, साफ सीधी चीज़ें मैं ओनर से ही जानना चाहूँगा। तो ओनर कहाँ है आप सोच रहे होगे, ओनर गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो सीधा अंदर बैठते हैं गाड़ी के और ओनर से मिलवाता हूँ आपको। तो गाड़ी में भाई मैं बैठ चुका हूँ, और आपको अब मैं मिलवाना चाहूँगा जो इस गाड़ी के ओनर है और जो उस BM के ओनर थे। परीक्षित भाई बिल्कुल बढ़िया। तो भाई आपसे सिर्फ मैं इस गाड़ी के बारे में आज पूछना चाहूँगा, और मेरे कुछ सवाल नहीं है आज इस सिस्टम। तो भाई साफ सीधा पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ चाहूँगा कि ये गाड़ी आपने खरीदी कब थी? ये गाड़ी मैं खरीदे हुए हो गए, साल भर हो गया। साल भर हो गया, और कौन सा मॉडल है, मतलब आपने यूज परचेज करी थी? यूज करी थी 2015 मॉडल है, और टेक्नो मॉडल है इसका, टेक्नो टॉप मॉडल। टॉप मॉडल, अच्छा। तो भाई आपने खरीदी और यूज मार्केट में ना ये गाड़ियाँ, मैंने सुना है रीसेल इनकी हल्की कम होती है और थोड़ी सस्ती मिलती है, तो सस्ती है। एक साल पहले ये 20-22 लाख रुपए की रेंज थी इसकी।
अच्छा, और ओरिजिनल जब ये गाड़ी आती थी तब कितने की ऑन रोड आती थी, आपको कुछ आइडिया हो? रोड 60 के आसपास थी। तो यानी एक हिसाब से 60 से शुरू होती थी, 55-60 ऑन रोड काफी वेरिएशन है, ऑडी में काफी मॉडल्स आते हैं। बिल्कुल आते हैं, मतलब एक हिसाब से सेम गाड़ी आपने एक तिहाई दाम में उठा ली। तो साथ ही साथ यार कुछ दिन पहले मैंने BMW चलाई थी अपनी 520D, और शायद से वो ही है आपके पास, मतलब वो आप ही की है, तो वो गाड़ी का इस गाड़ी में कंपैरिजन थोड़ा डिफिकल्ट है। वो मेंटेनेंस लेस गाड़ी है BMW, ऑडी से कम मेंटेनेंस है। मतलब दोनों गाड़ी यार सेडान एक ही लीक की बराबर सा, मतलब दोनों गाड़ियों में परफॉर्मेंस का ज्यादा कुछ फर्क होगा नहीं मेरे ख्याल में। थोड़ा है इसमें, अगर देखा जाए इसका 2.0 मॉडल है जो उसका 2.0 है, तो उसका 2.0 का पिकअप बहुत ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है उसका। मतलब इंजन तो उसका रॉकेट ही है यानी, पर बिल्कुल, पर दोनों गाड़ियों में बेटर कौन सी लगती है आपको? देखो थोड़ा इंटीरियर वाइज ये मॉडल ठीक है, और जो 5 सीरीज का 2019 मॉडल आया है उसका इंटीरियर अच्छा है। अच्छा, उससे पहले वाला थोड़ा बेसिक सा है, ज्यादा अच्छा नहीं है। तो कंफर्ट आपको दोनों में कौन सी गाड़ी ज्यादा प्रोवाइड करती है? कंफर्ट इसमें ज्यादा, इसमें एयर सस्पेंशन है। अच्छा, तो इसका कंफर्ट तो ऑफ कोर्स ज्यादा ही होगा उससे। पर इसका एक ड्रॉबैक भी है कि ग्राउंड क्लीयरेंस कम है। अच्छा, जैसे थोड़ी लेंथ में ज्यादा है उससे। यानी भाई एक तो गुड़गांव में चलाना ऐसी गाड़ी, मतलब महाभारत चीज है। फिर भी इसमें एक फीचर होता है ना रेस करने का, ये ऊपर। अच्छा, कार का गाड़ी स्लो करेंगे ना तो उसमें रेस का ऑप्शन आ जाएगा, स्पोर्ट्स मोड में नहीं आ रहा, कंफर्ट में करेंगे तो रेस हो जाएगी। अच्छा, ये सिस्टम करंट नॉट अवेलेबल, प्रॉब्लम पड़ेगी। बिल्कुल सस्ती में हो जाएगा, पर डायनेमिक्स हटाना पड़ेगा, अब स्लो स्पीड होगी ना हो जाएगी। हाँ, रेस आ गया, रेज हो रही है इसमें, शायद 3 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर रेज हो जाती है, 1 इंच के आसपास रेंज रेज हो जाएगी। जब लिंक होना बंद हो जाएगा तो रेज हो गई, तो आप एक्चुअली स्केल से नाप सकते हो ये गाड़ियाँ। चलो फीलिंग ना आगे से उठ गई, बेसिकली आपको लगी रोड खराब है, ब्रेकर हाई है, तो अपना रोक के साइड में पहले रेस करो फिर उतारो। ये चीज जरूरी है। तो यार ये गाड़ियां ले तो लेते हैं लोग, और किलोमीटर अगर मैं देखूं तो बहुत चली हुई है अभी तक इस गाड़ी ने। आपको मेरे ख्याल में साल भर हुआ है गाड़ी लिए, और मेंटेनेंस कितने कुछ ले लिया आपसे गाड़ी ने, कितना आपकी जेब खाली करवा दी है? मैंने टाइमिंग और गियर बॉक्स ऑयल चेंज, बाहर की मार्केट में आफ्टर मार्केट तो ज्यादा खर्चा नहीं है, तो गियर बॉक्स ऑयल चेंज भाई 15,000 के आसपास खर्चा जाता है, टाइमिंग का 17-18 हज़ार रुपये, और नॉर्मल सर्विस तो वही 13-14 हज़ार रुपये। बाहर से आफ्टर मार्केट होती है सारी चीज़, कंपनी में नॉर्मल सर्विस होगी 40,000 के आसपास। बाहर ही देखो आफ्टर मार्केट, अगर सेकंड हैंड यूज गाड़ी ले रहे हो तो बाहर करानी ही फायदेमंद होती है। अच्छी वर्कशॉप पे जाओ, तुम्हारा नोन पे वर्कशॉप है, अच्छी वर्क, कोई दिक्कत नहीं आती, पार्ट्स वही होते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो आपने जैसे बताया BMW से थोड़ी महंगी सर्विस है इसकी, वो टेंशन फ्री गाड़ी आप कहना चाह रहे हो? नहीं, लो मेंटेनेंस कार है BMW, क्योंकि इसमें एक्चुअली 5 सीरीज में एयर सस्पेंशन नहीं है, इसमें एयर है। हाँ। एयर सस्पेंशन का काफी खर्चा बढ़ जाता है, और आप रफ रोड्स पे तेज चलाते तो लीक भी हो जाता है एयर सस्पेंशन, चांसेस होते हैं उसके, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा फिर उसके में टाइमिंग का कोई खर्चा नहीं था, उसका टाइमिंग खर्चा था 1.5 लाख पे, 1.5 लाख किलोमीटर पे 50,000 रुपये करानी होती है। अच्छा, उसका इंजन में थोड़ा स्पेसिफिकेशन में फर्क है, बाकी तो दोनों का ड्राइविंग मूड अलग है, कंफर्ट अलग है, और दोनों का चलाने का स्टाइल, मतलब डिफरेंस तो है ही दोनों गाड़ियों में। दोनों गाड़ियों में प्रेफर आप कौन सी करना चाहोगे? अगर आपको ज़्यादा लग्जरी इंटीरियर फील चाहिए तो लो A6 लो, अगर आपको ज़्यादा इंजन पावर चाहिए या फिर और खर्चा कम चाहिए तो BMW 5 सीरीज़। 5 सीरीज। और जब आपने गाड़ी खरीदी तब कितनी चली हुई थी, और आपने लेने के बाद ये गाड़ी कितनी चला दी? मैंने 20,000 किलोमीटर के आसपास चला दी होगी। और उसमें आपकी एक सर्विस हुई है शायद? हाँ, दूसरी हो गया। अच्छा, मतलब सर्विस इंटरवल इनका 10,000 करीब है, 15 बोलते हैं, पर मैं 10 के आसपास करा ही देता हूँ, बाहर से क्या खर्चा आ रहा है, 12-13 हज़ार में कहीं फर्क पड़ता है जरूरी है। क्रेटा की सर्विस 15,000 की होती है। तो यार ये डीजल गाड़ी होती है ना, बेशक लग्जरी हो, इनमें जैसे पावर बहुत होती है लेकिन गाड़ियों में वेट नहीं होता, तो इनकी वजह से मैंने सुना है इनकी माइलेज भी ठीक ठीक होती है, और इतना भारी इंजन होने के बाद भी अभी मेरे को ये 13.3 की एवरेज दिखा रही है, तो फुल टैंक में करीब करीब आपको कुछ आइडिया होगी कितने निकाल देती है? तो दिखाती है, तो आसपास अगर हाईवे थोड़ा अब चल रहे हो और लोकल चल रहे हो तो
ये क्रूजिंग जो रेंज होती है बेसिकली गाड़ी की, हां बिल्कुल, अगर आप जैसे ही आप 90 क्रॉस करोगे आपकी एवरेज गिर जाएगी। क्या खराबी गाड़ी में, बस ये है मेंटेन करनी थोड़ी बहुत होती है और हवा है मेरे ख्याल में। आप कह रहे हो जैसे बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गाड़ी प्यार से चलाते तो कोई मेंटेनेंस नहीं है। आप कोई भी अगर छोटी गाड़ी ले लो उसकी भी अगर तुम रफ चलाओगे तो वो भी मेंटेनेंस मांगेगी, और इनका एक टाइमली खर्चा है वो कराना होता है। जैसे अगर 50,000 टाइमिंग का काम मांगा है, आपने नहीं कराया, आपने 20,000 और चला दी, टाइमिंग बेल्ट टूट गई और कुछ और हो गया तो इंजन सीज हो जाएगा, तो वो तो आपकी गलती से हुआ है ना। अच्छा बिल्कुल सही है, जो चीज मांग रही है उनको पकड़ा तो जल्दी नहीं मांगती गाड़ियाँ, मतलब 2,00,000 तो कोई दिक्कत ही नहीं है 2,00,000 तक तो। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के पास 3 सीरीज थी, उसने 2,00,000 चला के बेची थी, सिर्फ सर्विस का खर्चा आया था और ब्रेक पैड नॉर्मल सस्पेंशन ये तो होता ही है। अच्छा ब्रेक पैड अभी तक आपके हाथों इसके बदले गए एक बार? हाँ। तो क्या कुछ उसमें क्या कुछ खर्चा आया था? वही मेरे ख्याल 16,000-17,000 रुपए के ब्रेक पैड है। चारों? नहीं दो आगे के, बैक वाले महंगे हैं अगले सस्ते। अच्छा ये भी कहीं रियर फ्रंट सस्ता होता है, रियर के महंगे, पर रियर के फिर चेंज का इंटरवल भी काफी लंबा होता है। अच्छा तो फ्रंट के जैसे क्या कुछ इंटरवल है फ्रंट वालों का? फ्रंट वाला अगर नॉर्मल ड्राइव करते हो तो 25-30,000 किलोमीटर निकाल देती है, 20-25,000। अगर आप बहुत रैश ड्राइव करते हो तो कम, और ड्राइविंग स्किल्स में कितना ब्रेक यूज कर रहे हो। भाई बिल्कुल सही बात है, ये गाड़ी जो है ये चलानी ही प्यार से होती है। ये गाड़ियाँ मर्सिडीज थोड़ी लग्जरी ज्यादा होती है, बीएमडब्ल्यू थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज्यादा होती है, लेकिन ऑडी जो होती है ना इसको डबल मानते हैं कि ये गाड़ी परफॉर्मेंस भी निकाल सकती है, ये गाड़ी आपकी जो है कंफर्ट भी दे सकती है, लग्जरीज भी पना भी दे सकते हैं। और क्या भाई सही बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप पर अब तो आप कंपेयर करो अगर बीएमडब्ल्यू के जो मॉडल्स आ रहे हैं तो सारे लग्जरीज आ रहे हैं अब तो, सारी ऑडी बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज तीनों ने लग्जरी में तो कोई कमी छोड़ी नहीं है। गाड़ियाँ महंगी इतनी हो गई हैं बहुत भाई। एक शायद A6 का आप जो नया मॉडल आ रहा है करीब करीब 5,000 के आसपास है टॉप मॉडल, रेंज ऊपर जाती जा रही है, डायनेमिक मोड पे लगी हुई है। अगर इसके गेट्स की बात करूँ वो भी स्पोर्ट में लगे हुए, तो मतलब ये गाड़ी अपने फुल पोटेंशियल वाले उसमें लगी हुई है। तो इसका एक हल्का सा 0-100 में यहाँ पर करना चाहूंगा। भाई BMW में ज़्यादा पंचर स्पोर्ट्स, बहुत ज़्यादा बहुत फर्क है। वो जो BMW की बेसिक इंजन है वो सारे स्पोर्ट्स ओरिएंटेड में, हाँ उन गाड़ियों में ये फिर कंफर्ट लाइन में आ जाती है। बिल्कुल सही। तो भाई ओनर के मुंह से आपने सुन तो लिया कि ये गाड़ी देखो लग्जरी गाड़ियों का हवा बना रखा है कि इन गाड़ियों में खर्चा बहुत है। हाँ खर्चा है, इनके पार्ट्स जो हैं नॉर्मल गाड़ियों से ऑब्वियसली महंगे होते हैं लेकिन रिलायबल होते हैं। अब एक आंसर बिल्कुल, मतलब अगर इसको लाइट हैंड से इन गाड़ियों का आप यूज़ करो, तमीज़ से चलाओ, प्रोफेशनल तरीके से चलाओ, एथिक्स से चलाओ, तो इन गाड़ियों में कोई परेशानी नहीं है। ये नहीं कि आपको हर बार चलाना है तो एक पिकअप का किक लेना है, नॉर्मल चलाओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं। जहाँ इस गाड़ी की देखो अगर मैं ट्रैक पर चला रहा हूँ इस टाइम यहाँ पर इस गाड़ी को मैं भगाऊँ इस गाड़ी को कुछ नहीं होगा, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करूँ शहर में चलाऊँ इसका नाक बनाऊँ तो ये गाड़ी भाई खराबी मांगेगी। बम्पी रोड्स पे दिक्कत है क्योंकि सस्पेंशन का तो मेन होता है, सस्पेंशन जल्दी मांगेगी, स्टीयरिंग मांग जाएगी, तो माउंट वाउंट टूट जाए कुछ हो जाए, कई चीज होती है, टायर भी लो प्रोफाइल होते हैं तो फिर। हाँ बिल्कुल ये तो चीज है भाई। तो यही थी अपनी ऑडी की A6 और ओनर के मुंह से आपने सारी चीजें सुन ली कि इन गाड़ियों में खर्चा क्या है, क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है। गाड़ियां A1 होती हैं, इन गाड़ियों में कमी नहीं होती, चाहे आप यूज मार्केट में लो, बस थोड़ी सोच समझ के सूझबूझ से गाड़ियां खरीदनी होती है। तो भाई थैंक यू,
आने के लिए, और ऐसे ही मिलते रहेंगे अलग अलग वीडियोस में। बढ़िया परचेज करी है, और पर एक वो लगी मेरे को कि अगर आपने खरीदी है ये 15 मॉडल खरीदी है तो दिल्ली NCR वाली चीज़ तो तंग करेगी आपको। ठीक है, 2.5 साल 3 साल तो है अभी ऑलमोस्ट, पर अगर बेचोगे 2.5-3 साल 9 लाख की तो 10 लाख की निकलेगी, 9.5-10, कंडीशन डिपेंड होती है। किलोमीटर का भी बहुत फर्क पड़ता है, किलोमीटर का फर्क पड़ता है, पर कितना ही फिर 1 लाख रुपये और तो फिर भी ठीक है, लॉस नहीं है। आप डिप्रिसिएशन वैल्यू देखो, अगर नई गाड़ी छोटी भी 30 लाख की लेते हैं 3 साल बाद कम से कम 10 लाख तो उसका। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये लग्जरी गाड़ी होती है ना, नई लो तो बहुत डिप्रिशिएट होती है, इनकी बहुत दाम टूटते हैं, आदमी का दिल टूट जाता है। अगर कोई भी गाड़ी सब 10 लाख की रेंज में आती है, हाँ, बड़ी से बड़ी, हाँ 70-80 लाख की इतनी गाड़ी है, 10-15 लाख की रेंज में आती है, उसके हिसाब से ठीक है। पुरानी लो डिविजन कम, नई लो तो। सुन लिया आपने सारी चीज़ें, सारे फैक्ट फिगर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस आपके लाते रहूँगा, ऐसी ओनरशिप्स लाते रहूँगा, इसकी भी एक आधी रेसिस में लाते रहूँगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।